ये बिल्कुल ये देखें जो हो रहा है। ओहो जुबैर भाई ये हमारा न्यू नट मिल गया ये जा बात वी आर फाइनली हियर एट इमरान आरे पुस्तार की तरफ फुल टाइम जंजीरें मंजीरें चढ़ी हुई है पता है ये प्रोग्रेस है टायर पहले सब ये प्यारी वायर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे खैरियत से होंगे और आप लोग दिन अच्छे गुजरे होंगे। मेरे भी अच्छे गुजरे अलहमदिल्ला। थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि आपके भाई की यूनिवर्सिटी खुल गई है आपके भाई ने इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। खैर नींद छींद कुछ बराबर नहीं है तभी 3-4-5 दिन हो गए कि व्लॉग नहीं आया तो अभी मैंने सोचा है कि यार व्लॉग बना लूँ। लास्ट 3-4 वीडियोस में उससे पहले मैंने कहा था कि मैं अकॉर्ड को बनाना शुरू करूँगा ठीक है जिसमें हमने इसकी वायरिंग शेयरिंग कराई थी और छोटे मोटे काम कराए थे। उसके बाद मैं चला गया था हुंजा और गाड़ी रह गई थी। चीटिंग करता है तू। अब मैंने फैसला लिया कि यार अकॉर्ड बनेगी और खामखा बनेगी। वैसे मैंने दिमाग में डाल दिया मैंने कि भाई EFCF को छोड़ो पहले वो कम्प्लीट होगी आगे आ रही है सर्दियाँ पाक व्हील्स के शो आएंगे इंशाल्लाह तो अकॉर्ड जो है वो तैयार होनी चाहिए। लास्ट जो इसकी वायरिंग हुई थी जो आकिकु उस्ताद ने की थी कोई 2 महीने पहले उसके बाद जो है गाड़ी ने हमें सही रिस्पांस नहीं दिया उसने ठीक से वायरिंग नहीं की थी। रुके मैं आपको बताता हूँ। कुकु उस्ताद को हमने 8-10 हज़ार रुपए दिए थे इसकी वायरिंग साफ करने के लिए। हमने कहा था जो फालतू तार हो वो तुम हटा देना गाड़ी से लेकिन उसके बाद भी आप ये हाल देख लें ये तार देखें ये तार देखें ये इस टर्मिनल से हमने उतारी हुई है इसकी लाइटों की तारें कुकु उस्ताद ने अलग से लगाई हुई थी। ये कुंडे देखें आप गाड़ी में वो तारे देखें इतनी दुनिया जहान की तारे हैं ना। खैर उसके बाद कुकु उस्ताद से हमने पक्का पक्का बायकॉट कर लिया उसको मैंने दोबारा नहीं बुलाया काम के लिए। आपको याद है इससे हमारा फ्यूल गेज ठीक किया था सिफत ने सिफत को मैंने बुलाया और सिफत को वो अब आ रहा है। असल में पूरा दिन गुजर गया मैं वर्कशॉप गया नहीं था मेरा इरादा था सुबह की वर्कशॉप जाऊंगा लेकिन आपके भाई को जरा फ्लू है तो उसको मैंने बुलाया मैंने कहा तुम काम शाम देखो फिर मैं कल सुबह तुम्हारे वर्कशॉप में गाड़ी लाऊंगा तो वो आए तो फिर इंशाल्लाह सीन मीन चेक करते हैं। उसके अलावा EFPRE पे आए तो ये बिल्कुल साफ सुथरी माशाल्लाह स्पून्स पे ना चिल कर रही है। OS के हाथों ये गाड़ी हमेशा चमकती रहती है कभी ये बहुत कम गंदी होती है। साथ में ये नंबर प्लेट आप देख रहे हैं ये लग गई है हमने उस दिन जरा पंप पे डबल टेप से लगाने की कोशिश की थी आप व्लॉग में भी बताया था हमने लेकिन वो हमसे लगी नहीं थी। खैर वो जो फिर मैंने घर आके लगा ली थी सिफत आए ना तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई सिफत भाई ने एंट्री मार ली है अभी अभी फ्रेश सिफत भाई ने हमें किस्सा सुनाया है कि भाई दाद देख दलता 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 आओ दलता। इनको पिछले दिनों पता नहीं मेरे वर्कशॉप में कोई फैन मिल गया कोई दोस्त मिल गया और वो बता रहे थे कि उन्होंने व्लॉग में देखा सिफत भाई ये सच्चा किस्सा है पाकिस्तान पर एक कदम जिनको पश्तो नहीं आती वो कह रहा है तुम्हारे हाथों में ये पाकिस्तान छोड़ूंगा मुझे भी यही लग रहा है। साइड वाला शीशा ना कार की सिर्फ आता है ये भी सारा काम देख रहे हैं बाहर से कोई दो शोज भी खड़े हैं तो ये सिर्फ सरसरा ऊपर से काम दिखेगा और कल काम करेगा। मैंने कहा आज सिर्फ आएगा देखेगा वो भी आता है ये बिल्कुल ये देखिए हमारी गाड़ी में अजीब अजीब से कुंडे बरामद हो रहे हैं ये सब हम सिफत को बता रहे हैं। एक दफा गाइस सब कुछ बता दे मैं बताता हूं इसमें क्या क्या है। वैसे इसमें क्या क्या काम है वायरिंग का काम बताओ ना क्या क्या चीजें तुमने गिनवाई है यार फालतू वायरिंग है वो हटानी है कोई तारे डायरेक्ट है वो सेट टेम्परेचर गेज सही बशी पक्की गल है। बॉयज सिफत को हम सी ऑफ कर आए हैं ये गाड़ी अब जो है कल निकलेगी और कल मैं तो शायद यूनिवर्सिटी हूँगा तो वैसे ही शायद लाएगा इसको अब मैं इनको जी यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करूँगा अल्लाह ख्याल करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम बॉयज वेलकम बैक आज डे 2 और अभी हम गाड़ी निकाल ही रहे थे तो इसका जो क्लच है वो टूट गया दिखाओ वैसे क्लच की वो नट ये नट टूट गया जिस वैसे गाड़ी अभी क्लच पैडल नहीं ले रही गाड़ी को हम क्लच दबाएँ तो वो अरे आगे बस क्यों आगे पीछे हो रहा है गाड़ी गियर नहीं ले रही तो मैं जाता हूँ हमने जाना था रिंग रोड तो अभी पहले जाता हूँ जब देखता हूँ व्हाट्सएप रोड से किसी मैकेनिक को देखता हूँ और लाता हूँ कि नट डाले मेरे यूनिवर्सिटी भी जाना है अल्लाह खैर करे। बॉयज फुल चीखते हुए मैं आया हूँ हमें मिले इनाम इनाम को मैंने कहा लेट्स गो वी है वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम तो इनाम जो है वो आ रहा है उसने कहा और सलीम आयो का जिंदाबाद इसको पिक करते हैं जाते हैं और नट डलवाते हैं गाड़ी का नट मोड़ू का ना क्लच शुरू हुआ था कैसे लोग समझते ही नहीं। मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में शौक हो ना तो ऐसा होना चाहिए 11 बजे क्लास में मेरी और अभी 10-20 हो रहे हैं और मैं जो वर्कशॉप में खड़ा हो के नाम गाड़ी का क्लच पैडल का नट देख लेंगे आगे अल्लाह ही खैर करे। जी हमारा न्यू नट मिल गया ये जाते हैं हम अकॉर्ड को छोटी छोटी फिट करते हैं लेट्स गो।
वो तो ठीक है लेकिन मैंने पूछा नहीं था। बॉयज ये नए नेट लगाने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं, वैसा बैठ गए फॉर द नेट गाड़ी में लगाने के लिए, आगे अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह बॉयज लग तो गए, ये वैस साहब ने लगाए, आई एम प्राउड ऑफ हिम। चेक करोगे? ओहो क्लच इज ओके। और 10:30 हो गए हैं, अभी पहले इसको रिंग रोड पहुंचाना है, गाड़ी वहाँ खड़ी करनी है, उसके बाद मैंने पता नहीं आगे यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, अल्लाह ही खैर करे। ये चेक करें, ओए होए 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 ओए होए होए होए, वेरी नाजुक मामलात होते हैं इस गाड़ी के इस वक्त पे। ये चेक करें, अल्लाह करे बस क्या मोटा है आप फोन पे। आ गाड़ी आगे लो, थोड़ी सी आगे लो वरना बम्पर लगेगा। ओए हो जियो। 1000 years later हम दोनों, मैं और वैस, अपनी मंजिल की तरफ रुजू है। एकॉर्ड हमने जी निकाल ली है। सुबह जब इस पर क्लच वाला नट तोड़ा है ना, तो मेरा दोनों तो दिल टूट गया था कि यार ये गर्मी खड़ी रहे, मैं जाता हूँ मस्त यूनिवर्सिटी पढ़ के आता हूँ, इसके साथ वीकेंड भी देखेंगे, लेकिन मैंने कहा वीकेंड ज़रा दूर है, आज बुध है। तो अभी निकले हैं हम, सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने पेट्रोल डलवाया था जब इसकी टंकी फिक्स की थी 2 महीने पहले, तो वो सही से नहीं हुई थी, तो इसका पेट्रोल थोड़ा सा लीक कर गया था। तो अभी दोबारा डलवाएंगे कि हमें कोहाट रोड के जहाँ पे एंड होता है और वहाँ जो पुल है वहाँ तक अगर पहुँचा सकते हैं नुस्ता। वैसे आपको हम बताना भूल गए, प्लान का एड्रेस था आगे वो ये कि सबसे पहले हमने जाना था इसकी वायरिंग के लिए मीटर शीटर ठीक कराने, लेकिन वैस ने कहा है वो छोटा मोटा काम है, वो सिफत घर में भी कर लेगा। आज हम जाते हैं इमरान उस्ताद के पास, तो मुझे लगा यार ये बात तुम्हारी ठीक है। हमने अभी इमरान उस्ताद को कॉल किया, इमरान ने कहा मैं वर्कशॉप पर भी हूँ और फारिग भी हूँ। हमने कहा जियो गुड हो गया। तो बस अब जा रहे हैं इसको इमरान उस्ताद के पास ही लेकर, और अब लगता है कि ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल रोक शो हो जाएगी। सबसे पहला जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इसकी फिटमेंट है, कि अब ये फेंडर टू लिफ्ट जाएगी इंशाल्लाह। ओल्ड डेथ डार्थ वेडर, हेलो जी, परचा हो रहा है। ओहो जुबैर भाई गॉट नो चिल। अच्छा पता नहीं सुबह सुबह ही इंसान को परचा हो जाए तो फिर आगे दिन कैसे गुजरे। बॉयज अभी अभी हमने पेट्रोल डलवाया और यकीन जाने 700 रुपये का पेट्रोल मैंने जिंदगी में पहली बार गाड़ी में डलवाया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लीक कर रहे हैं अभी भी, आपको बताना चलूँ कि इतनी स्मेल है ना पेट्रोल की, इतनी स्मेल है, लेकिन बस हमें पता था कि इसने लीक करना है। अब पता नहीं वो लीक कहाँ से होते हैं, वो इमरान उस्ताद ही बताएंगे। तो अब जाते हैं जहाँ पे टंकी का कनेक्शन है ना, हाँ मुझे भी वही लग रहा है नीचे जहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। अल्लाह खैरियत से पहुँचाए। क्लच के हमने वो जो वॉशर लगाया था वो भी ज़रा ढीला ढीला लगाया था, आगे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। मैंने 10:50 हो रहे हैं, 11 बजे मेरी क्लास है, मैंने कहा आपको फिर से बता दो। अभी हम आपको ना एक कमाल दिखाते हैं, ये चेक करें। अभी आपके ना आपकी तो नहीं खैर है, मेरे दिल गुर्दों जिगरों में हर जगह में ना दर्द शुरू होगा। चेक करो, फ्रेश कांटे फॉर यू एंड ये पाँव निकल ले। ओए होए जियो जियो। पिशावर कैंटोनमेंट हमने क्रॉस कर लिए है, बस अब ये एक बार रोड है, फिर उमरगुल रोड है, उसके बाद हम डायरेक्ट रिंग रोड पे इमरान उस्ताद की बाहों में होंगे। बॉयज आखिर बड़ी दुश्वारियों के बाद वी आर फाइनली हेयर एट इमरान उस्ताद की वर्कशॉप इन रिंग रोड। अब जाते हैं इमरान उस्ताद को हेलो करते हैं, गुड वाला सलाम करते हैं। बॉयज इमरान उस्ताद तो हमें मिले हैं, ये देखे हैंग आउट मार रहे हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ी दुश्वारी ये पेश आ रही है कि जो वर्कशॉप कर रहे हैं पे ये बड़ा ज़्यादा ही सख्त है, गाड़ी का ऊपर आने का कोई नामो निशान पैदा हो ही नहीं सकता। तो इमरान उस्ताद से पूछते हैं कि क्या जुगाड़ करना है, क्या हम गाड़ी का बम्पर उतारे हैं, क्या उन्होंने रोड पर काम करना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इमरान उस्ताद चलो ना गाड़ी ऊपर करनी है। ना ना खराब पीगी मना तय का ना मसले को पकड़ डेर दे डेर मसले दे। कहती अफसोस के साथ इमरान उस्ताद ने हम डिसअपॉइंट हो गए। इमरान उस्ताद ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए कोई प्रेशर मशीन चाहिए। सबसे पहले हमने उसको टायर दिखाया है ड्राइवर साइड वाला जो कैम्बर नहीं हो रहा, उसने हमें कहा है कि सुबह में जाओ किसके पास, आरिफ उस्ताद के पास जाओ, आरिफ उस्ताद आपके लिए जो है वो ये अंदर कर देगा टायर। अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ। सबसे बुरी खबर ये है कि 11:30 हो गए, जो मेरी क्लास थी वो मुझसे रह गई, आज मैं फिर यूनिवर्सिटी नहीं गया, कल भी नहीं गया था। हाँ ये गॉड रोड पहली बार हमारी अकॉर्ड इस रोड पे आ रही है, आज हम अकॉर्ड को नहीं रास्ते, आज हम इसको वाकई के नए नए रास्ते बता रहे हैं, अल्लाह खैर करे। वॉइस फ्रेश एंट्री मार ली हमने आरिफ उस्ताद की तरफ यहाँ पे रेलवे में, यहाँ हम आए अकॉर्ड पे लेके इंशाल्लाह। अब होप्स हो कि इसका जो मसला है वो हल हो जाए, उम्मीद तो है अल्लाह से। ये चेक करें भाई कहीं ड्रॉप हो तो इतनी हो वरना ना हो। जियो हमारे मतलब आपको मत सिखा चल।
इसका रिम टायर खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो एक्सल का मसला हो सकता है या चिमटे का मसला हो सकता है। तो लेट्स सी क्या बनता है। उन्होंने हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो दी है कि शायद हमारा टायर ठीक हो जाए। आगे अल्लाह खैर करे यार, लगते हैं अल्लाह करे आज मेरा यूनिवर्सिटी कुर्बान करना ज़रा वर्थ इट हो इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आज की दूसरी डिसअपॉइंटमेंट वो ये है कि हम जो कैम्बर के लिए आए थे, सबसे पहला मसला ये है कि उन्होंने हमें बताया कि हमारे दोनों फेंडर्स में थोड़ा सा फ़र्क है 19-20 का, इसकी गुलाइश थोड़ी ज़्यादा है और जो हमारा दूसरे वाला फेंडर है इसकी गुलाइश जो है वो थोड़ी कम है, जो कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी सच लग रही है। दूसरी बात यह कि इन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं अगर ज़्यादा कैमर कर सकूँगा 0.5 इंच कर सकूँगा, ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, जाके इसके पहले चिमटे चेक करो, फिर एक्सल चेक करो। मुझे पता था कि यही होना है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है। आज तो भाई मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कुर्बान की है, आज ये काम हो गई होगा, वैस आज गाड़ी ड्रॉप हो गई होगी। बहुत तेज हो रहा है। मोइस इमरान उस्ताद और आरिफ उस्ताद मेरे साथ थोड़ी सी हैंगी पैंगी कर रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ उल्टा कह दिया, मैंने कहा तुम गाड़ी खोलो फिर मैं बताता हूँ कि अल्लाह खैर कह रहे क्या मसला है क्या नहीं। मैंने इमरान को भी कॉल किया, उससे भी इसको यही कहा कि तुम गाड़ी खोल लो उसके बाद पता चलेगा क्या मसला है क्या नहीं। तो अभी गाड़ी वो चेक कर दी है हमने, नीचे से इसका एक्सल वो चीज़ें खोलेंगे, देखेंगे कि गाड़ी कितनी कैम्बर हो सकती है। फेंडर का मसला मुझे भी लग रहा है, लेकिन जितना वो ज़्यादा कैम्बर उसका आउट है ना, वो सिर्फ फेंडर की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी उस तरफ से ऊपर है, इस तरफ से ड्रॉप है, वहाँ से वो ड्रॉप नहीं आएगी। मैंने कहा ये सिर्फ फेंडर का मसला नहीं हो सकता, तो अब वो खोल रहे हैं। ये देखें हमारे गाड़ी का पर्स चेक करें कि कितनी ख़राब हुई है कितनी नहीं हुई। Let's see what happens next. इस फुल ऑपरेशन माहौल हो रहा है। ओहो, हमारी अकाउंट को जंजीरें डाल दी गई हैं। अल्लाह की खैर करे, अब अल्लाह करे ये काम हो जाए यार। आई एम वेरी डिप्रेस राइट नाउ एंड आई वांट दिस थिंग टू बी डन राइट नाउ। अल्लाह करे यार हो जाए इंशाल्लाह। सब दुआ करें, इज्तमाई दुआ कर लें यार, ये दुआ लोगों को। इस अकॉर्ड को फुल टाइम जंजीरें मंजीरें चाड़ी हुई हैं, पता नहीं आरिफ उस्ताद किधर गायब हो गए। खैर उनको मैंने कहा है कि ज़रा सा तमुल के साथ करना है, गाड़ी पे ज़रा उला हाथ रखना है। ऐसे मुझे इतना लग रहा है कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर होने लगा। चलो अल्लाह खैर करे, वो आए फिर देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। हमारा C28 हमने उतार के रखा है, ये चेक करें। फुल टाइम अनी माहौल बॉयज़, ये जंजीरें वगैरह हमने खोल ली हैं। इसका जो है हमने स्प्रिंकल जो है जिसको कैम्बर कहते हैं वो थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की है, गर्म करके थोड़ा सा मोड़ा है। अभी ये टायर वापस लगाएंगे और अब चेक करेंगे कि यार इसमें क्या प्रोग्रेस है। उनके मैंने सारा सीन बता दिया कि मैंने इसका शॉक का रॉड 2 इंच काटा था, हमने इसका एक्सल वेल्ड किया था, सब कुछ कर करा के अब जब ये होगा अंदर, अब चेक करते हैं कि ये कितना अंदर गया। अल्लाह ही खैर करे, बस मेरी तो दुआ है जल्द से जल्द काम। प्लीज़ ये चेक करें, ये प्रोग्रेस है। टायर पहले के बनिस्बत बहुत अंदर हो गया, अगर आप इसको ऊपर से देखें तो स्टिल उस साइड के थोड़ा सा अभी भी ये फ़र्क है, क्योंकि ये फेंडर भी थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन स्टिल आरिफ उस्ताद को हमने बताया, वो कह रहे हैं कि और भी मैं कोशिश करता हूँ, तो कॉल ओवर नीचे करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी नीचे क्यों नहीं जा रही। लेट्स सी, ले आओ ले आओ, बस हमें जैक डालने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, ये हमारा जैक गाड़ी के नीचे जा नहीं रहा। ये देखें तो ये कभी गाड़ी आगे कर रहे हैं, कभी हम पीछे कर रहे हैं। अब शायद चला जाए, अब शायद चला जाए, अब शायद चला जाए। ये गया, ये गया, ओह ओह नहीं गया, निकल आखिर नाकाम कोशिशों के बाद हमें सेफ वाले जैक डालना पड़ा। सेफ वाले जैक उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद दूसरा जैक डाल के गाड़ी को उठाएंगे। वेरी लॉस, बिग लॉस। बॉयज वहाँ से हम निकल गए थे, वहाँ का जो हमारा काम था ओके हो गया। कैमरे में ने आप लोगों को चेक करा दी गाड़ी पहले से, काफ़ी ज़्यादा उसका टायर जो है अंदर नहीं हुआ, वो मुड़ गया। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है वो है गाड़ी फेंडर टू लिफ्ट फिटमेंट करना, लेकिन मुझे अब वो ज़्यादा इम्पॉसिबल से लग रहा है, क्योंकि इसके चिमटे बिल्कुल ऊपर टकर चुके हैं, इसके ऊपर और फ्रेम में जगह नहीं है कि हम ऊपर इसको करें, वो चेक करें। ओए ओए S500 ओए यो यो टैंकर था ये, वैसे मेरा बड़ा फेवरेट मॉडल है। खैर अब जाते हैं इमरान उस्ताद के पास, उनको विनती करते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा कर दें कि हमारी गाड़ी और ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये हाइट बिल्कुल ठीक काफ़ी बर्दाश्त नहीं है। लेट्स सी क्या बात है, दुआ करेंगे। तो बॉयस घर आ गया था मैं कुछ 4-5 बजे आया हूँ, थोड़ा सा मैंने खाना वाना खाया सुबह से, मैं बगैर नाश्ते के बगैर कुछ खाए पिए फिर रहा था। खैर लेकिन ये काम जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, अकाउंट हमने दोबारा शुरू की है तो इसको जो है इख्तिताम करके छोड़ेंगे, इसको भी बना के छोड़ेंगे। सेकेंडली ये आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टायर का मसला था वो जो बाहर था वो हमने कैमर करा लिया, हमारी दोनों साइड जो है अब बराबर हो गई हैं। इसके अलावा
कल का सीन ऐसा है कि मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी। ये देखें जी वैसा साहब, ये प्यारी बाहर कर रहे हैं, ये प्यारी की तो बड़ा गेम ही। अब ये मैं बैठता हूँ ना उसको चलाता हूँ, मैं कहता हूँ यार रिकॉर्ड भेज के मैं कोरी एफ ही ले लूँ। लेकिन स्टिल कल सुबह वैस जाएगा। ओए कल सुबह टाइम टाइम चले जाओगे ना? ये जाके शॉप खुलवाएगा, मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, वहाँ से आके मैं फिर व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा कि कल क्या बनेगा। खैर मैंने आपको एक और बात बतानी थी, वो ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे गाड़ी को फेंडर ट्लिप करने की। आज जिस वर्कशॉप हम गए उस बंदे ने हमें ये कहा कि यार एक्टिवा रिकॉर्ड का काम हम नहीं करते और ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा इस गाड़ी को हाथ लगाने से डरता है, जो जेन्युइन बात है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आके इसका चिमटा टकरता है, जिससे ऊपर जो है स्पेस नहीं है और गाड़ी ओवर ड्रॉप नहीं होती। इसके कॉल ओवर्स में अभी भी बहुत जगह पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा कल ही, अभी मैं नहीं दिखा सकता, जैक शेक डालने का मेरे जोर नहीं है। कॉल ओवर्स में इसके अभी भी जगह पड़ी है, कल जाके हम इसके फ्रंट शॉक निकाल के इसको मोरी गैंग करेंगे। कल हमने इसके अगले शॉक निकालने पंप पे और आगे से गाड़ी ड्रॉप करके देखेंगे। अगरचे ड्रॉप हो गई तो इसका मतलब ये चिमटों का मसला नहीं है, अगर ये ड्रॉप ना हुई तो इसका मतलब ये चिमटों का ही मसला है। और चिमटों का मसला है वो हम चेक करेंगे, या तो स्पेयर चिमटे की तरफ से पकड़ेंगे या तो इस गाड़ी को ले जाना पड़ेगा ऑफ टू इस्लामाबाद शाहजेब भाई के पास। वो दो तीन दफ़ा मुझे कह चुके हैं कि गाड़ी लाओ ये मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा, लेकिन स्टिल मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी पेशावर में ना हुई तो फिर हमें जाना पड़ेगा। खैर अभी के लिए एक और प्यारी हम अंदर कर रहे हैं, कल सुबह इसको दोबारा निकालेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ खास नहीं था, हमने कैम्बर ही कराई है गाड़ी, लेकिन अगर आपको हमारी सफारी पे थोड़ा बहुत तरस आए तो सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।